यौम आज़ादी के इस बाविखार मौके पर ह्यूमन राइट्स रंगारेड्डी के प्रेसिडेंट आफरीन बेगम ने अपनी ऑफिस पर फ्लैग होस्टिंग का अहतमाम किया। जी हां नाज़रीन, वाक़िया राजेंद्र नगर 9 नंबर पर मौजूदा ह्यूमन राइट्स की ऑफिस पर आफरीन बेगम ने फ्लैग होस्टिंग किया। इस दौरान मासूम बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और गरीब व ज़ईफ़ लोगों में बेडशीट्स तकसीम किए गए और मौके पर रंगारेड्डी जनरल सेक्रेटरी सैयद सलाम भी मौजूद थे। इस दौरान आफरीन बेगम ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हाजी शेख और वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह तमाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मौका दिया और आवाम की खिदमत करने के लिए आगे आने के लिए इन्हें बेहतरीन खिदमत के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात खुद आफरीन बेगम की ज़ुबानी। मैं आफरीन बेगम, ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। हमारे ऑफिस में मेंबर्स है, पिछले 2 साल से कर रही हूँ मैं ऑफिस की तरफ से, एचआरसी की तरफ से ही। और मैं जो भी आज तकसीम करी हूँ, बेडशीट वगैरह, ओल्ड एज सिंगल, आगे भी करना चाह रही हूँ मैं। जैसा कि रमजान में राशन किट्स वो भी तकसीम करी, हॉस्पिटल्स का भी जैसा रहा वैसा पेशेंट्स के लिए भी हम लोग रिकवर करे सो है और आगे भी हम चिकित्सो है। उन्होंने जो दिए नॉलेज हमको, वो नॉलेज पे काम कर रहे, जो उन्हें एक्सप्लेन करे वो एक्सप्लेन के हिसाब से काम कर रहे। हम लोग जो भी काउंसलिंग, ये खुशी के मौके पर हम लोग ये तकसीम कर रही हूँ मैं मेरे तरफ से। ये जो ऑफिस है आपका ह्यूमन राइट्स जी, जो कि ये सलम एरिया में आता है, तकरीबन लोगों को ये ऑफिस में तो जी, जैसा कि हैंडीकैप है उनके लिए कुछ मेडिसिन वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राशन का वो भी मेरी ऑफिस से तकरीबन लोगों को आके करा सकते हैं। जिसका भी पेंशन का नहीं हुआ उन्होंने भी आके करा सकते हैं। जिसका भी अगर हॉस्पिटल का कोई चेकअप वगैरह है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे वो भी आके करा सकते हैं। कोई एरिया पीएस हमारे एरिया के पुलिस ऑफिसर से मिलके हम बात करके आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है हल करेंगे इंशाल्लाह। कौन से एरिया में आपका ऑफिस? ये मेरा आतापुर 9 नंबर सेटविन, बिसाइड सेटविन सेंटर आता, 8106833094 कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, हम हमारे टीम मेंबर्स।